गुड इवनिंग। और दोस्तों अभी हो गई है हमारे यहाँ पे इवनिंग और आप देख सकते हो यार धूप कितनी ज्यादा है। किट्टू अंदर होना, चलना, कितनी धूप है, चल अंदर चल। और दोस्तों मैंने हमारे पिजन के लिए आज एक स्पेशल डाइट बनाया है। मतलब मैंने हाँ दो दिन में अभी फिक्स कर लिया है कि हमारे पिजन के लिए एक अच्छा प्रॉपर डाइट बने, क्योंकि यार गर्मियों का सीजन चल रहा है और इनके बहुत सारी बीमारियाँ आती है। तो ठीक है, सारे मैं उनको अलग अलग फूड दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं कल से आपको वो भी दिखाऊंगा यार फूड में कैसे बनाता हूँ, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने तो बना लिया यार, तो अभी मैंने ये फूड बनाया है उनके लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ यार, ट्रे में अच्छे से फैला देता हूँ और हमारे सारे पिजन आज हम बाहर छोड़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ना दोस्तों आज ना थोड़ा मतलब धूप कम है, क्योंकि ना बादल थे यार हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है यार, इसकी वजह से मैं प्लानिंग में था कि यार आज हमारे सारे पिजन छोड़ दो। तो चलो भाई अभी मैं इसमें डाल देता हूँ। ओए 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 खतरनाक यार, अभी इसे ना फैला देते अच्छे से पहले। हाँ ओके, मैंने इसे अच्छी तरह से अभी फैला दिया है और ये थोड़ा सूख भी चुका है, थोड़ा गीला था यार। गीला कबूतर है ना, क्या करते यार, गीला खाना ना खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने थोड़ा सूखने दिया इसे। अब ये प्रॉपर सूख भी गया है, तो चलो भाई इसे उठाते हैं और हमारे सारे पिजन चलो उठाओ, किट्टू के पास दो, किट्टू के पास दो, किट्टू के देखी तो ओए रुक मुझे बाहर जाने दे। ओए होए 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 आ जा 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 ओए अभी गिरा देगी तू, ऐसा ऐसा निकलने का। ओके इधर रख दे, इधर रख दे, अभी मैं सारे पिजन बुला था, ठीक है। ओए छोड़ना पिजन को, छोड़ जा सारे पिजन को, छोड़ना तू, डोर खोल, डोर खोल ना वो, हाँ खोलो इधर का साइड वाला, साइड वाला, अरे मिडल वाला, अरे मिडल वाला, हाँ खोल वो, ऐसे नहीं उड़ जाएंगे। चलो आओ 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 आओ, नहीं 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 ब्राउनी को बाद में छोड़ेंगे, चलो आओ आओ आओ, चलो आने दे, चल चल इधर आ जा, आगे आगे चलो आओ 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 आओ। इतने ज़्यादा शौक से खा रहे हैं हमारा बनाया हुआ फीड। तो मैंने ना इसमें ना वेजिटेबल्स वगैरह जो मतलब मुझे फ्रूट्स वगैरह जो लगा भाई मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया, और जो गेहूं की रोटी वगैरह अच्छा मैंने मिश्रण किया और मिक्सी में इसको अच्छे से बारीक कर लिया। देखो यार कितने शौक से खा रहे हैं यार हमारे पिजन्स, क्योंकि ना गर्मियों में इसे ना इन फूड से उनको अच्छा भाई पानी जी पानी की जो मेस कमी होती है भाई वो भी पूरी हो जाएंगी और हमारे पिजन हेल्दी रहेंगे यार। क्योंकि ना यार हमारे पिजन ने अंडे दिए, ऐसा मैंने देखा है, बट अभी मैं देखता हूँ भाई कौन कौन से पिजन ने। अरे खाने देना ब्लैकी का रैबिट भी खा देना वो खाना। ओके देख किसे खा रही है, चल स्नो कहाँ गया, स्नो चल, स्नो चल चल चल। तो मैं अभी केज के अंदर जाके आता हूँ हमारे पिजन के, मुझे देखना है भाई कि हमारे कौन से पिजन ने कितने अंडे दिए हैं, मैं देख लेता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। चल भाई मैं अभी केज के अंदर जा रहा हूँ, के अंदर अरे 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 रुक मुझे जाने दे पहले तू, आ जाओ आप, ठीक है। अरे किट्टू कैसा लग रहा है देख, भाई साहब खतर यार याद अट्टे चौकी रहेगा यार। मैंने कल दो दिन हुए यार मुझे ये टफ रखने हुए, देखो यहाँ पे भी एक अंडा दे दिया, यहाँ पे भी एक अंडा दे दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पहले से दिए हुए थे हमारे लकी पिजन ने, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी दो अंडे हो गए, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पिजन यार देख सकते हैं यार कल्लू का अंडा है, और नहीं नहीं यहाँ पे कौन सा तो पेड़ बैठा है ना यहाँ पे, सिराजी, अच्छा अच्छा ये सिराजी, फिर कौन सा ये वो जंगली, हाँ अंडे वाला सेंडी पट्टी में जंगली वाला उसका अंडा है वो, अच्छा ऊपर कालू का है, नहीं ना इधर नहीं है, कल्लू का ही है, कल्लू का है ये, अपना सिराजी का है, और ये हमारे जंगली, हाँ वो अपने किंग का है, ओके, और ये हमारे इसका है लकी का, ओके, और ये किसका है फिर यार, ये हमारे परपंच का है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ना एक परपंच का पेयर है वो रेड वाला, ये उसके अंडे, मतलब यार एक अलग ही महसूस होता है, एक खुशी होती है यार एक अलग ही। बाहर निकलना, चल 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 बाहर निकल, चल बाहर निकल, नहीं कुछ नहीं करेंगे, चल तू क्यों अंदर आई फिर, चलो चल इसे जा। और बिना एक एक है ना ये, अभी यहाँ पे मैं कल और आऊँगा फिर यहाँ पे हमने दो अंडे देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि कबूतर दिन में एक ही अंडा देता है और दूसरे दिन एक देता है, मतलब इसलिए उनका एक बेबी छोटा है एक बेबी बड़ा होता है। तो एक अलग ही हैप्पी न्यूज़ है यार हमारे द डेजी देश के लिए। तो चलो भाई मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो हमारे सारे पिजन है सारे के सारे भाई, मतलब
अंडों पे आए हुए देख सकते हो भाई, सारे के सारे गुटक रहे भाई। देखो कितना आवाज शोर बड़ा हो रहा है यार, यहाँ पे बड़ा शोर हो रहा है, बड़े बड़े गुटुक गुटुक कर रहे हैं सबके सब। हमने इनको है ना डेली एक दिन करके इनको फूड दिया है वो वाला, तो उनका रिजल्ट है भाई कितने हमारे पिजन इसकी वजह से हेल्दी यार, ठीक है ना। आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप भी आपके पिजन को वही फार्मूला यूज कीजिए। ओए सुनना, अभी ऊपर वाले जो बर्ड्स हैं उनको करके आते हैं फीडिंग, ओके? उड़ा दिया सब। अबे यार अभी नहीं आएंगे, अभी सब उड़ गए, तूने उड़ा दिया ना किट्टू। ओए हमारी जो लिली ना भाई, लिली यार उसकी जो बेबी ना उसकी इतने अच्छे से केयर नहीं कर रही यार, बेचारा अकेला घूम रहा है, हम कब से उसको देख रहे हैं यार, बेचारा ना अकेला घूम रहा है यार वो। देखो लिली अभी भी अंडों पे बैठी यार, अभी एक भी अंडा उसने अभी तक हैच नहीं किया, मैं अभी एक दिन तो हो गया है भाई, और एक दिन हम इसकी ये देख ओए फिर अंडे हैच किए या नहीं, क्योंकि ना कब की बैठी यार मैंने देखा ना यार, ऐसे कुछ हिलचल दिख रही है वहाँ पे। अंदर जाता हूँ और देखता हूँ भाई क्या है। कुट्टू भाई, अरे हमारे जो लिली ना यार, मैं इसे ना उठा के देखा था वो यहाँ पे। ओए ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं यार अभी तक भी एक भी नहीं अंडा हैच किया, सिर्फ एक ही बेबी को हैच किया और बेचारा अकेला घूम रहा है यार। अरे यार हमारा क्यूट सा बेबी, हे बेबी यार लिली उसकी केयर करना यार, क्या करूँ यार तेरे लिए मैंने, तो इसको फिर से यहाँ पे रख दिया है। हमारी जो लिली ना यार, मुझे कमेंट में बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपकी जो लिली ना यार बच्चों की इतनी अच्छी सी परवरिश नहीं करेगी, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो भाई हम ज़रूर ट्राई करेंगे, इसको पूरा ध्यान देंगे हम और इसे प्रॉपर फीड वगैरह सब करेंगे। अभी देखते हैं यार इसने इस बेबी को अच्छे से ग्रो किया तो ठीक, नहीं तो यार हमें इसे यार, क्योंकि यार बेचारे ने एक ही अंडा फोड़ा है, इतनी अच्छे से केयर नहीं करेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यार इतनी कल ज़्यादा एग्रेसिव थी, आज इतनी एग्रेसिव नहीं यार, का सीजन भी चल रहा है ना, तो बाकी के अंडे उसकी वजह से खराब हो चुके होंगे। किट्टू नीचे उतर, अबे उधर गिर जाएंगे ना, नीचे उतर। हमारी जो लिली है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यार नेक्स्ट टाइम ये अच्छे, क्या हुआ नीचे गया, नीचे अबे यार रख दे इसके अंदर यार, लकी पिजन पता नहीं यार ना उनको उड़ता ही नहीं आता बेटे, सीधे नीचे गिर जाते हैं, नीचे बहुत ज्यादा डॉग है यार, हाँ उसका उसका क्या पता है, हमेशा चला जाता है नीचे। अच्छा पढ़ूंगे लगा, हाँ। अच्छा है ना, सुन मेरी बात, वो है ना हमेशा ऐसे ही करता है, उड़ने जाता है नीचे गिर जाता है वो, हाँ। ऐसा है उसको। अब फिर से उसे ना नीचे लेके लेने के लिए जाना पड़ता है ना, तो नीचे डॉग्स है ना, डॉग्स उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसा है। कह रहा था कि हमारी जो लिली ना उसे सेकेंड टाइम अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो अच्छे से हमारे अंडे हैच करेंगे, ठीक है। अभी उसे बारिश के मौसम में अंडों पे बैठाएंगे, ठीक है ना, अभी हम कुछ नहीं रिस्क लेंगे। और हमारे जो ब्राउनी है, ब्राउनी बहुत जल्द हमारे सेटअप से जाने वाली है, क्योंकि यार ब्राउनी क्या करते हैं अंडे देते हैं और अंडे खुद के अंडे खा जा रहे हैं यार, तो ये हमारे लिली को ऐसा कुछ भी सिखा सकती है, इसकी वजह से हम ब्राउनी को इसे हटाने वाले हमारे सेटअप से। और एक मेरा दोस्त मुझे एक व्हाइट कलर की, मतलब मैं उसका कलर अभी नहीं शो करूँगा, बट व्हाइटिश कलर की एक बता ही देता हूँ यार, बता ही देता ना यार, एक व्हाइटिश कलर की एक मुर्गी है वो हमारे सेटअप में आने वाली है, ठीक है। तो लिली और वो बहुत अच्छी रहेंगी यार, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बाहर आना है, चल किट्टू चलो 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 चलो, मुझे सबसे बड़ा काम करना है यहाँ से बाहर निकलना है, गेट बहुत छोटा है ना यार, कैसे आओ यार, पहले जो बर्ड्स है उनको फीड करके आते हैं। चलो 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 चलो, किट्टू ये पकड़ना, तू ये पकड़ना, दो मिनट ये ऊपर वाले फीड, ऊपर वाले जो बर्ड्स है ना उनको फीड करनी है। हमारे पास है ना पिजन्स का फूड का बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे जो बजीज वगैरह है ना उनका फूड का स्टॉक इतना ही रहा है, तो भाई मुझे पेट शॉप जल्द से जल्द जाना होगा और हमारे बजीज के लिए उनका फूड लाना होगा। चल किट्टू ऊपर जाते, चलो 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 चलो। अभी हम ऊपर आ गए हैं और अभी हमारे सारे परिंदों को हमें उनका फूड देना है, ठीक है। हे कोकू, हेलो बड़ी, यार इसके ऊपर आपको पता है यार कैट ने अटैक कर दिया था, अभी ठीक ठाक यार ये नहीं भर देते यार सारे इसमें। चलो 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 किट्टू, इसमें पानी भर ना, ऐसे ही भर ले, देख नहीं 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 इधर से नहीं, सुनना मेरी बात, ऐसे ही भर ले, चल हाँ तू भर, चल अब फिश को ना पकड़ना, ऐसे ऐसे भरने का और इधर ले का, ये मेरी डब। रख दे पानी,
यहाँ पे रख दे। ओके हाँ अभी पियेंगे। देख पानी, ये देख पानी अलग ही पीते यार, मतलब है ना पानी को इसे ना चोच मारते हैं और वो जो थेम पड़ता है ना उसको कैच करते हैं, बहुत क्यूट है यार हमारे। और दोस्तों आपको एक बात शेयर करने से रहेगी यार, और हमारा जो पहले वाला एक वाइट बटर था ना, ये दोनों मेल थे यार, दोनों मेल होने की वजह से यार अंडे नहीं दे रहे थे, तो मैंने मेरे दोस्त के पास से ये चेंज करके लाया। ये उसके फार्म पे था तो मैं उसके पास से ये एक बटर लेके आया, और ये हमारा उसके अभी साथी हो गए, ये हमारे अभी मेल फीमेल हो गए। तो ये फीमेल है और वो वाइट वाला जो है मेल है, मतलब अभी अच्छे से रहेंगे और अच्छे यहाँ पे अंडे वगैरह सब करेंगे यार। पानी पीते देखे 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 देखे। पानी देख कैसे पीते किट्टू हैं? अरे उनको खाने को कुछ डालो ना, डाला ना उसको खाने के लिए, वो देख इन वाले को, अभी इनको देते हमारे बजीज को, हमारे इनको है यार। अरे इसको नहीं है ना खाने का। ओके डन है इसका, इसको कोई टेंशन नहीं, अभी इनको दे देते और इनको दे देते। काफ़ी सारे भाइयों ने सजेस्ट किया कि आपकी जो बजीज है, मतलब मैंगो और वैनिला का जो फैमिली है, उनका आप सभी का नाम रख दो यार। यार सभी का नाम रखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसके लिए मैं बाकी को नाम नहीं रख रहा, हमें सिर्फ एक हमारे वैनिला वेट कलर का और येल्लो वाला हमारा मैंगो है, और उसके साथ ही जो है बाकी के मैंगो के पापा, मैंगो की मॉम और मैंगो की मासी। ओके ये उनका अभी हमारे फैमिली का नेम रहेगा। इधर कोई हमारा वैनिला और इधर है हमारा मैंगो, बहुत ही ज़्यादा चालाक है हमारा मैंगो। दोस्तों गर्मी हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारा जो एलिगेटर का पॉन्ड का जो पानी है भाई, दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो भाई अभी मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा पानी भर दूँ। ये देखो भाई इसका पानी का लेवल देख सकते हो, अभी ना पानी का लेवल हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब दो तीन दिन इनको कोई टेंशन नहीं रहेगा, मतलब हफ्ते भर कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमारे गप्पी पॉन्ड का भी पानी भर देते और एलिगेटर का भी पानी भर देते। तुम किट्टू, अरे हाँ इनको इनका इनका है, ये हमारे डब्स का है यार, हमारे वाइट वाले डब्स को है ना, इसकी जो चोच है ना यार, इसका हमें बहुत जल्द ये करना है, क्योंकि हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर है वही बोले थे, डरती है ना एलिगेटर कार से? तू तो मुझे बोल रही थी ना डरती हूँ मैं, तो अभी इसका पानी हम भर नहीं देंगे। ओके कोई गर्म पानी आ रहा है इससे तो है, कोई नहीं अभी ठंडा आ रहा है, वो थोड़ी नली इसमें थी ना, किट्टू इसे पकड़ के रखो फिर, नहीं तो छोड़ देना, तू डरती है ना फिर, वो पास आता है तो डर जाती है ना, जाने देना। तो मुझे काफ़ी सारे भाइयों ने यहाँ पे एक सजेशन दिया कि भाई आप यहाँ पे जो पाइप्स वगैरह आते हैं आप उसका हेडिंग प्लेस यहाँ पे कर दो, तो वही हम यहाँ पे वही करने वाले हमारे गप्पी पॉन्ड को। और यहाँ पे हम यार जो रिवर में प्लांट आते हैं ना, वो मुझे बोले, काफ़ी सारे भाई बोले कि आप है ना रिवर में जाके ना प्लांट्स वगैरह लेके आओ, ठीक है, तो हम रिवर में जाएंगे और इनके लिए हम प्लांट्स भी लेके आएंगे। अभी तो धूप पड़ रही है यार, आराम से जाएंगे कल या परसों में, मॉर्निंग में जाना पड़ेगा क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे दोपहर की। तो ये देख सकते हो हमारे क्यूट क्यूट से गप्पी फिश, तो इनके लिए बहुत ही जल्द हम इनके लिए हाइडिंग प्लेस बना देंगे, मतलब एक दो दिन में ही यहाँ पे ना इसे हमारा प्लानिंग है, यहाँ पे हम इसे पाइप लगा देंगे, एक लाइन में पाइप लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ा अलगी वगैरह लगा देंगे, अलगी मतलब जो रिवर प्लांट होते हैं हम यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, मतलब वो इधर बाहर नहीं आने चाहिए, ये हमारा वाटर लिली का अच्छे से रहे, नहीं तो रिवर प्लांट का ऐड करते भाई वाटर लिली को पूरा परेशान करके रख देंगे, मतलब भाई आपको पता ही यार मार भी सकते। तो हमारे यहाँ पे ना जो वाइट टक्सीडो के जो मेल थे ना, ये अचानक से कम हो गए थे, आपको पता था एक दिन हमने यहाँ पे ना गोल्ड फिश छोड़ दी थी हमारे ब्रीडिंग पेयर, तो यार उन्होंने मेल सार के सारे मेल खा गई थी यार, वो एक बड़ी दिक्कत हो गई थी। और ये देखा मैंने बैलून वाले, यहाँ पे हेडिंग प्लेस नहीं करेंगे तब तक ब्रीड नहीं करेंगे। कितना भरा गिड्डू, कितना भर गया क्या और भरने का है, वो लेवल तक हम पानी भर लेंगे फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा, ओए ओए जल्दी जा, अबे वो बेबी को पकड़ पहले, तेरे पैर के नीचे वो देख, उधर के उधर वाले पैर के नीचे, संभाल उसको, शिट यार शिट 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 शिट। अभी दोस्तों क्या हुआ ना, हमारे सारे पिजन है ना लिली के केज में घुस गए यार, लिली का डोर खुला रह गया और सारे के सारे पिजन लिली के अंडर केज वाले में घुस गए, क्योंकि लिली को मैंने फूड रखा था, सॉफ्ट फूड रखा था, तो यार वो खाने के लिए घुस गए यार, शिट 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 शिट। सुनना सुनना वो बेबी को संभाला, ठीक है ना, वो तू आ जा फिर अभी बाहर। काफी सारा बड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है यार अभी, मुझे नीचे जाना होगा। ठीक है ना किट्टू, बेबी ठीक है ना? हाँ, चल 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 चल। यार डोर कैसे खुला रह गया था? अबे यार, ओके यार ठीक है। यार आज पिजन ने, मतलब सारे के सारे पिजन तो कुछ नहीं करते, बट यहाँ पे मैंने फूड वगैरह डाला था ना हमारे लिली के लिए, तो वो फूड खाने के लिए सबके सब अंदर घुस गए, और भाई बेबी को कुचल भी सकते थे यार वो। अभी लगा देते यार पैक। कंप्लीट में 30 मिनट्स हो गए और ऊपर आया नहीं यार, यहाँ का नहीं पानी, हमने एलिगेटर का पानी शुरू किया था। ओए वेदांत, पानी तो परफेक्ट भरा हुआ यार, 30 मिनट्स में हमारा पानी जितना लेवल चाहिए था उतना कंप्लीट हो गया। ओके ना इतना वाटर, अभी गप्पे भी इसको दे देते यार, अभी इनका भी जो लेवल है ना उधर तक कर लेते हैं, मतलब हमारी वाटर लिली को गिर गई। हाँ, जो हमारी वाटर लिली का जो लेवल है ना दोस्तों, तो अच्छे से मतलब लेवल में आ जाएगा, क्योंकि ना इसे ना थोड़ा ऐसा ताण पड़ता होगा। मतलब दोस्तों हमारे जो वाटर लिली का जो पौधा है ना, ये वाटर लिली का पौधा मतलब ऐसे थोड़ा इसे ग्रो होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैं थोड़ा और पानी का लेवल यहाँ तक भरा लेता हूँ, फिर यहाँ का डन हो जाएगा। और एलिगेटर का जो वाटर था भाई वो भी डन हो गया, और वहाँ पे हमें एक प्लांट लगाना है वहाँ पे और यहाँ पे, और हमारे सारे के सारे वॉल को हमें कलरिंग करना है, और यहाँ पे हमारे सारे ना कुंडियाँ रहेंगी भाई एक दिन। ठीक है, मतलब अभी नहीं यार, में जो प्लांट्स हैं अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अभी हमें करना है, बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आपका जो पॉन्ड है, जो फिश पॉन्ड है भाई, आप उसका वाटर है भाई जल्दी से जल्दी चेंज करो, तो भाई आज हमें यही काम करना है। ठीक है, तो यार बने रहिए, और आपको इसका अपडेट मैं कल दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे लाइक करो शेयर करो, चलते हैं।